ইন্ডিয়ান গুরু মঙ্গল নিয়া যোগী খাস রায় চুনার হামি অক্ষা দেওয়ান এন্ড ধীমত এর লোগো কো হাম লোগো নে বোলা থা কি ইসকো মেরিট লিস্ট মে লেকে ইসকো শিডিউল টাইম করনা চাহিয়ে कितना दिन पहले दिया 2014 तो आज कितना साल है पांच साल हो गया एक भी मौका नहीं मिला एक भी काम नहीं करता एक भी काम नहीं करता लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हम कैबिनेट में पास करके दिया से करना चाहिए तब भी नहीं किया इसको बहुत वोट मांगते हैं पूछिए मैंने बिना ओनी मिस्टर अमर सिंह राय और विश्वास एलपी राय सब मिलकर रोहित मेरे को बोला किसका एक का टाइम में कौन सा चाय बगान का मजदूर थे उसको भी बहुत परेशानी हुआ है देखो कोई तो बंद करके चला जाता है लेकिन जो पढ़ा रहता है उसको मायना नहीं मिलता है तनख्वाह नहीं मिलता है बहुत परेशानी होता है मेरे को भी काले लोगों ने बोला मैंने बोला देखो अभी तो इलेक्शन चुनाव का कोर्ट चल रहा है आप ही आप बोलेंगे भी फिर आपने हो जाएगा मॉडल कोड वायलेट हो जाएगा इसी के लिए मैं कहने नहीं चाहूंगी लेकिन इसका बारे में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कुछ कर सकता है तो हम जरूर करेंगे आपका इलेक्शन अभी हम नहीं कह सकता है चाय बगान में जो हमारा बहुत ही जो लोग रहते हैं इसको पटना का बारे में हम भी बहुत चर्चा किया हम एक रिव्यू कमेटी भी बना दिया थोड़ा दिक्कत भी होता है चाहे 30 साल एक लोगों ने काम किया तीन जनरेशन फिर उन्होंने चला गया रिटायर करके तो उसको जगह में और कोई आया तो इस पर कैसे करेंगे एक देखभाल करने के लिए हम एक रिव्यू कमेटी बनाया एक रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट हमारे पास आने से हम सर्वे सर्वे करके इसको बारे में हम जरूर आपको बताएंगे हमारा दिल से कुछ भी होना है हम कभी किसी को डिप्राइव नहीं करते जो आपका बकाया इलेक्ट्रिक बिल है बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे को पास आया कल मिस्टर राय भी बोल रहा था बिना ऑनी रोहित भी बोल रहा था मिस्टर राय और विश्वास भी मैं अभी आपको नहीं कह सकती हूं लेकिन आपका प्रॉब्लम मेरे को बताया मैं जरूर देखेंगे अगर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे तो डीआई फंड का बारे में आप लोगों ने मेरे को बोला एक तो ऑलरेडी लैंड डिपार्टमेंट इसको दफ्तर में ट्रांसफर किया जल्दी से जल्दी हो जाएगा आप पहले का केस है हम लोग पहले से इसको कर रहा है और मैंने ये भी सुना कोई फ्लैट बाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी बंद है थोड़ा दिक्कत होता है I will tell my administration to take care for that, so that people should not suffer. मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा people कोई सफर करे। दार्जिलिंग का पीने का पानी के लिए, कलिंपोंग के लिए, टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कर रहा है। मैं म्युनिसिपैलिटी को भी कहने चाहूंगी कि आप लोगों ने जो मार्ग का रास्ता हुआ है आसपास में जो पानी का पाइप का काम चल रहा है ये काम जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए इसको भी अच्छा करके करना है हम चाहते हैं दार्जिलिंग को देख के कालिम्पोंग को देख के कार्सियांग को देख के मिरिक को देख के लोगों ने कहे कि देखो कितना अच्छा है कितना सुंदर है कंचनजंगा का माफिक सुंदर है ये हम देखने चाहते हैं मैं जरूर कोशिश करेंगे इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों को मैं एक दिन नहीं मैं आते रहा मैं फिर भी जब भी मौका होगा हम दार्जिलिंग आते रहेगा कि दार्जिलिंग मेरे को दिल है हम चाहते हैं बंगाल का साथ दार्जिलिंग का एक अच्छा रास्ता हो तो दार्जिलिंग में भी आपका गोरखा आइडेंटिटी जो है वो भी बचा रहे वो भी जान में रहे दिल में रहे और इसका बारे में भी पहले जो जीटीए का एग्रीमेंट हुआ था मैंने पहले भी आपको बोला तब मैंने नहीं किया था
अपॉइंटमेंट किया था, हम आके उसको खाली एग्रीमेंट साइन किया था। अभी चुनाव का बाद नेक्स्ट डीटी इलेक्शन का पहले हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि दार्जिलिंग का बारे में कोई फैसला हो, जैसे हमारे जो गोरखा भाई बहन है उसका जो आइडेंटिटी है वो कभी खतरा में ना पड़े, तो हम जरूर देंगे। मैं आप लोगों को इन्हीं सब को साफ कहने चाहूंगी कि हमारा बहुत ही फेवरेट प्रार्थी, देखो हम अकेला नहीं करते हैं, तृणमूल कांग्रेस और गजमुमुको जो पार्टी है एक साथ में, हम एक साथ में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम एक साथ में काम करेंगे। और मेरा को विश्वास है कि हम एमपी इलेक्शन में जीतेंगे, आप लोग एमएलए इलेक्शन में जीतेंगे, तो एक साथ में काम करके हम दोनों, चाहे दिल्ली हो चाहे बंगाल हो, दोनों से काम करेंगे, जैसे दार्जिलिंग का इंपोर्ट मीटिंग का काम हो। कांग्रेस पार्टी उसका जो एमएलए है माटीगाड़ा फांसी दुआ में, सीपीएम पार्टी का सिलीगुड़ी में एमएलए है, हमारा एक ही एमएलए है चोपड़ा में, लेकिन आप लोगों का पार्टी का तीन एमएलए अमर सिंह राय जी ने मेरे को बात पे रिजाइन करके दोनों पार्टी मिलके हम उसको कैंडिडेट बनाया, लेकिन ये हमारा सिंबल है तृणमूल का। आपको दो ईवीएम मशीन मिलेगा, दो ईवीएम मशीन मिलेगा। आप देखिए इधर में 17 कैंडिडेट है, अच्छा से सुनिए, एक एक नंबर ईवीएम मशीन और एक दो नंबर ईवीएम मशीन। आप दो नंबर मशीन में मत दीजिए, उसमें देने से आपको वोट नहीं होगा, मोटा में चला जाएगा। आपका देना है एक नंबर मशीन में, और एक नंबर मशीन में एक चिन्ह जो है अमर सिंह राय का एक नंबर में है। दो नंबर मशीन में मत प्रेशर करो, दो नंबर मशीन से एक नंबर में भी दोगे तो नोटा में चला जाएगा। एक जोड़ाफू देखोगे तब वोट देना है एक नंबर मशीन में। कोई बदमाशी नहीं करे तो आप इसको ख्याल रखना, आप इसको याद रखना। हम माटीगाड़ा हो चाहे फांसीगांव हो चाहे कालिम्पोंग हो चाहे कार्सियांग हो चाहे मिरिक हो चाहे सिलीगुड़ी हो चाहे चोपड़ा हो, हम सबको लिए एक बार बताया एक हमारा सिंबल है पहाड़ और दार्जिलिंग को, पहाड़ को और समुद्र को एक साथ में रखने के लिए क्या चाहिए, दोस्ती चाहिए, क्या चाहिए रिश्ता चाहिए, क्या चाहिए प्यार चाहिए, क्या चाहिए मोहब्बत चाहिए। मैं तो हर तरह कहती हूँ रोशनी चाप से होता है, सितारे से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस जोरापुर का साथ बिना ऐसा मांगे लोग जो है अमर सिंह राय जी जो है ये आपका भूमि पुत्र है, आपका दार्जिलिंग का रहने था, दार्जिलिंग का रहने वाला है, इसको वोट दीजिए। इन्होंने हम लोग को एक करके काम करेंगे, इन्होंने आपको दार्जिलिंग का बारे उसका जितना पता है, हम तो हमारा पार्टी को आदमी को नहीं दिया, मैं तृणमूल कांग्रेस का आदमी को नहीं दिया, मैं तो देखिए कुछ नहीं देने का पहले भी क्षमता क्षमता शक्ति को देखो हम एमपी बना दिया दार्जिलिंग से कटस्यांग से, देखो राज्यसभा का एमपी हम क्षमता शक्ति को बना दिया। इसी के लिए कि बाहर में मैसेज देना चाहिए कि हम बाहर को प्यार करते हैं, इसी के लिए साल पड़ोस को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं चोर किसका बाजू एक अकेले में है। बदल दो, बदल दो, मोदी सरकार को बदल दो, बदल दो, बदल दो, बीजेपी को बदल दो, बदल दो, बदल दो। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस को ले आए, जोड़ापुर में दो फूल में वोट दिलूस, आज सुबह सुबह वोट दीजिए, सुबह सुबह वोट दिलूस, जोड़ापुर में वोट दिलूस। आज हम दार्जिलिंग को पहाड़ का उन्नति चाहे, हमारा भाई बहन को उन्नति चाहे, हमारा नौजवान को उन्नति चाहे, हम किसान का उन्नति चाहे, हम माँ बहन को उन्नति चाहे, हम कलिपों को उन्नति चाहे, हम खर्चन को उन्नति चाहे, हम कलिपों को उन्नति चाहे, हम मिल को उन्नति चाहे। अगर दार्जिलिंग का आदमी लोग आप लोग मिलकर वोट देंगे तो हमारा उम्मीदवार अमर सिंह राय जी ने वो पूरा जीत जाएंगे। अगर आप लोग देंगे चोपड़ा देंगे और मेरे को वादा किया है, मैं कल सिलीगुड़ी में भी मीटिंग करेंगे हमारा पहाड़ विधायक के लिए, हम कल सिलीगुड़ी में मीटिंग करेंगे, हम पहले माटीगाड़ा में करके आया, मैं फांसीगांव में करके आया, हम सबसे ज्यादा मीटिंग हमारा दार्जिलिंग का उम्मीदवार के लिए कर रहा है, 5 मीटिंग हम
काम कर रहा है हमारा अमर सिंह राय के लिए, हमारे गोरखा भाई के लिए। आप लोग सब मिलकर उसको वोट दीजिए, जोरापुर में वोट दीजिए। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, जय गोरखा, जय बंगला, जय हिंदुस्तान। सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक साथ में रहे, अच्छा रहे, आगे बढ़ते रहे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी से खींच जाए जा।